अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अजिलांसा, क्लिनिकल न्यूट्रिशनल एंड प्लांट वर्किंग एट लाहौर पॉली क्लिनिक। आज जो टॉपिक है बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है, ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन टॉपिक होगा, जो आप लोगों को फर्दर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं देने वाली हूँ, ताकि आपको बेस्ट टाइमिंग पता चले रमज़ान के अंदर कौन सा टाइम बेस्ट है एक्सरसाइज करने के लिए, वेट लूज़ करने के लिए, अपने वेट को मेनटेन रखने के लिए। हर इंसान के लिए बहुत अच्छा है, मेल फीमेल जो अपने अपनी हेल्थ डिजीज़ को लेकर फिक्र में आएगी, हमारे लिए कौन सा टाइम बेस्ट होगा उनके लिए, सबके लिए बेस्ट टाइमिंग होगी। मैं इस टॉपिक के अंदर आपको डिस्कस करने वाली हूँ कि आपके लिए कौन सा बेस्ट टाइम है अपना वेट लूज करने के लिए। सबसे पहले तो जब हम लोग सैरी बिफोर सैरी हम लोग कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन से टाइमिंग बेस्ट है हमारी वेट लूज करने के लिए। एक्सरसाइज बिफोर सैरी आप करेंगे तो आपका वेट तब भी वेट लूज होगा, बिफोर आफ्टर भी करेंगे तब भी आपका वेट लूज होगा। आप जब सैरी से पहले वर्कआउट करेंगे, मतलब कि डिनर आपने काफ़ी देर तक किया होगा, डिनर के किए हुए आप काफ़ी टाइम गुजर गया होगा, तो आप वर्कआउट करेंगे तो आपके बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपकी बॉडी के ऊपर, जितना कि 80% डाइट हमारे लिए बेस्ट है हमारी बॉडी के लिए। जितनी अच्छी डाइट लेंगे उतना अच्छा आपका वेट लूज होगा, और बाकी 30% 20% वर्कआउट करें तो आपकी बॉडी को 100% मिलेगा। और फर्दर उसके बाद आप सैरी के बाद भी वॉक कर सकते हैं, ताकि आपने जो खाया पिया हुआ है वो आपके स्टमक को बिल्कुल सही करना चाहिए, ताकि कोई एसिडिटी या कोई और इशू, हार्ट बनने का इशू ना हो सके आपके साथ। उसके बाद आपने अफ्तारी से पहले 90 मिनट पहले वॉक करनी है 30 मिनट की, उसके बाद 45 मिनट पे 30 मिनट का वर्कआउट कर लें, वो आपके बॉडी के लिए बहुत बेस्ट टाइम है वेट लूज करने के लिए। जिन लोगों का 100 से ऊपर वेट है उनके लिए बेस्ट टाइमिंग है अफ्तारी से पहले वर्कआउट करने से, मतलब कि अफ्तारी आपकी 6:30 या 7:30 हो जाएगी, तो उससे पहले आप 5 बजे अपना वर्कआउट करना शुरू कर दें। पहले सबसे पहले आपने 10 मिनट अपना बॉडी को वार्म अप करना है, वार्म अप करने के बाद आपने वर्कआउट करना है। वर्कआउट करेंगे तो वर्कआउट में बहुत टाइप्स आ जाती हैं, कार्डियो आ जाती है, ABCS आ जाती है, योगा आ जाती है, जो आपको सूट करती है आपने वो वर्कआउट करना है, ताकि आपकी बॉडी बहुत अच्छा वर्क कर सके। उस टाइम बॉडी को एनर्जी होती है, अफ्तारी से पहले बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है कि आपका वेट मेंटेन कर सके, वेट लूज कर सके, आपकी बॉडी के अंदर कोई डिजीजेस वगैरह तो नहीं है, आप अच्छे तरीके से वर्कआउट कर सकें। आपके जॉइंट्स पेन है तो आप हैवी वर्कआउट मत करें। अफ्तार रमज़ान में वैसे भी अफ्तारी से पहले हमें वर्कआउट बहुत लाइट करना चाहिए, हमारे बॉडी को वैसे मसल्स के अंदर वाटर फूड न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी रिकवर होने की ज़रा टाइम होता है, तो जितना हो सके अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, ताकि आपकी बॉडी को जितनी चीज़ों की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, अच्छी खुराक की जरूरत है, वो तो आपने करना है, मेंटेन रखें। और अफ्तारी टाइम जितना हो सके ऑयली चीज़ों से बहुत ज्यादा अवॉइड करें, ऑयली चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं, पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखें। फिर बेस्ट टाइम है एक्सरसाइज का नेक्स्ट स्टेप फॉर, इसके अंदर आता है कि 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आप अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं। आपने डिनर 9 बजे कर लिया है तो 11 बजे आप जो वर्कआउट कर रहे हैं या 12 बजे कर रहे हैं, एक ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी का कप पकड़ें, उससे 5 मिनट बाद वर्कआउट कर लें। वर्कआउट आपके बॉडी का वो भी बेस्ट टाइम है, लेकिन बेस्ट टाइम है कि आप दिन के टाइम ज़्यादा अच्छा होता है, उस समय बॉडी के पेचर ज़्यादा कम होता है, तो उस टाइम करेंगे आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करेगी, आपकी बॉडी उतनी अच्छी शेप में आएगी, उतनी अच्छी वर्कआउट हो सकता है। और जिम जो जा रहे हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है 11 से 12 1 बजे के जिम जाएं, अपना वर्कआउट वगैरह करें, आपके लिए बेस्ट होगा। रमज़ान में जितना हो सके अंदर लोगों का फोकस यही होता है कि ड्यूरिंग रमज़ान हम कौन सा ऐसा वर्कआउट करें जो हमारे लिए हेल्दी है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो आप जितना अच्छा वर्कआउट करेंगे और अच्छे टाइमिंग को मेंटेन रखें। और सबसे पहले आपने ये जरूर नोट रखना है कि आपने अगर 11 बजे वर्कआउट किया है तो नेक्स्ट डे भी आपको 11 बजे वर्कआउट होना चाहिए। अगर आपने 5 बजे अफ्तारी से पहले आपने वॉक या कोई एक्सरसाइज वगैरह किया तो वो आपकी नेक्स्ट डे भी वही होनी चाहिए। टाइमिंग बहुत मैटर करती है, फ्लू इनटेक बहुत मैटर करता है, फ्लू इनटेक आप पानी कितना पी रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। टाइमिंग मेंटेन रखें और अपनी रूटीन को ज़रा आपने जो अच्छे न्यूट्रिशन डाइटिशियंस के पास जाएं, जो आपको बता सकें कि कौन सी टाइमिंग आपके लिए बेस्ट है। तो अगर आपको कोई डाइट लेना है या किसी भी और चीज़ की ज़रूरत है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। और वर्कआउट एक्सरसाइज हर इंसान कर सकता है, हर इंसान के लिए बेस्ट है। अगर आप अच्छा डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा वर्कआउट करने की ज़रूरत है,
तो जितना हो सके आप एक अच्छा से अच्छा वर्कआउट करें, आप अपने न्यूट्रिशन डाइटिशियन डॉक्टर्स के पास जाएं, आपको वो बताएं कि आपके लिए कौन सा अच्छा वर्कआउट है जो आपके बॉडी को जरूरत है, और वाटर का इंटेक उतना करें जितना आपकी बॉडी को नीड है। लाइक फॉर एग्जाम्पल 8 to 10 glass, 12 to 14 glass, 16 to 18 glass, हर इंसान उतना वाटर पानी पिए जितना उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग उसका फ्लू इंटेक निकलता है। और वो वर्कआउट भी आप दिन में 2 times करें, एक टाइम वॉक करें, दूसरे टाइम वर्कआउट करें, जंपिंग करें, जो मर्जी एक्सरसाइज करें, जो आपको सूट करती है, जो आपको ईजी हो आप वो कर सकते हैं। गेट इट? और कोई इन्फॉर्मेशन या कोई और बात पूछनी हो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।